डी स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट ये टेस्ट कब लगाया जाता है इसकी एजम्पन्स क्या हैं और इसका प्रोसीजर क्या है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे एस पी एस एस सॉफ्टवेयर में जाके ताकि एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए कि ये टेस्ट हमने कैसे कंडक्ट करना है स्टूडेंट्स ये मेरे पास डेटा सेट ओपन है जिसमें फीयर ऑफ करोना वायरस का एक वेरिएबल है उसका कंपोजिट स्कोर है अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसका जो स्कोर है इस पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट है मेरे पास जेंडर का वेरिएबल है मैरिटल स्टेटस का वेरिएबल है रेजिडेंस का वेरिएबल है एज का वेरिएबल है और एजुकेशन का वेरिएबल भी है फैमिली इनकम का भी है तो इनमें से हम कुछ वेरिएबल्स के साथ देखते हैं कि क्या इन वेरिएबल्स का कोई सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट आता है उसके स्कोर के ऊपर फियर ऑफ करोना वायरस के स्कोर के ऊपर तो उसके लिए हम जाएंगे एनालाइज में कंपेयर मीन्स में इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर पहले हम अपना टेस्ट वेरिएबल रखेंगे फियर ऑफ कोरोना वायरस एस पी एस एस आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं यानी आप इसके साथ जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को भी रख सकते हैं आ, मगर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक ही होगा जैसे यहां पर एक ही की और आप इसको सिलेक्ट करके ला सकते हैं डिफाइन ग्रुप्स में हम इनकी कोडिंग जो एस पी एस एस में दी है हम वो दे देंगे जीरो वन हम इसको नाइन्टी फाइव परसेंट के कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ही टेस्ट कर रहे हैं ओके okay करेंगे तो आपके पास ये देखें फियर और गैड यानी जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर दोनों के लिए ये वैल्यूज़ कंप्यूट होके आ गई हैं तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव uh, स्टेटिस्टिक्स को देखें तो हमें हाँ, नज़र आता है कि मीन जो है मेल uh, का वो uh, जो यानी फियर का जो स्कोर है एवरेज स्कोर मेल का वो कम है कंपैरेटिवली uh, जब हम देखते हैं फीमेल के स्कोर से तो uh, अब क्या ये जो स्कोर मीन एवरेज डिफरेंस है मीन का क्या ये सिग्निफिकेंट है भी कि नहीं इसके लिए हम फिर टी टेस्ट की वैल्यू को देखेंगे और टी टेस्ट की वैल्यू को देखने से पहले हम लिवींस टेस्ट की वैल्यू देखेंगे ये पॉइंट वन टू वन है इट मीन्स दैट इक्वल वेरिएंसेस आर अज्यूम्ड तो अब हम टी वैल्यू देखेंगे टी वैल्यू हमारे पास है पॉइंट माइनस फोर पॉइंट ज़ीरो एट सिक्स और ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है यानी कि यहाँ पर जो है ये हाइपोथेसिस हमारा अल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया है कि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस इन स्कोर ऑफ़ फियर ऑफ़ कोरोना वायरस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यानी फीमेल ज़्यादा उनका स्कोर है एज़ कम्पेयर टू द मेल और ये मेन डिफरेंस जो है ये माइनस टू पॉइंट ज़ीरो थ्री है और यहाँ पर अगर आप इसकी कॉन्फिडेंस इंटरवल पर लोअर और अपर वैल्यू देखें तो इसमें ज़ीरो अब नहीं आ रहा ये माइनस थ्री पॉइंट ज़ीरो वन ज़ीरो और ये माइनस वन पॉइंट ज़ीरो फाइव फाइव है दोनों के दरमियान ज़ीरो की वैल्यू नहीं आती इसी वजह से यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट वैल्यू हो गई है पी की और जो है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है फॉर फियर ऑफ कोरोना वायरस अब हम देखते हैं कि क्या जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए भी ये आइपोसिस एक्सेप्ट होता है कि जेंडर है सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट ऑन द जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एवरेज स्कोर्स हैं जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के वो मेल और फीमेल के उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जैसे हमने देखा कि फियर पे भी फीमेल का स्कोर ज़्यादा था और इंग्जाइटी डिसऑर्डर पे भी फ़ीमेल का स्कोर कंपैरेटिवली ज़्यादा है यहाँ पर हम पहले लिवेंस टेस्ट की वैल्यू को देखेंगे यहाँ पर लिवेंस टेस्ट में हमारा जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है और जो है नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया तो अब इसके साथ जब हम टी वैल्यू देखेंगे तो हम ये वाली देखेंगे माइनस फोर पॉइंट जीरो सेवन नाइन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री एटी फाइव है और सिख ट्यूटेल्ड की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पॉइंट जीरो जीरो ज़ीरो है इट मीन्स दैट दिस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेसर देन पॉइंट जीरो फाइव अल्फा जो हमने वैल्यू जिसके साथ इसको कंपेयर करना है तो इस केस में भी यानी देर इज़ अ सिग्निफिकेंट मीन डिफरेंस इन द स्कोर्स ऑफ जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जेंडर हैज़ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन दी स्कोर्स ऑफ़ जनरल एंगजाइटी डिसऑर्डर तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर ये कहाँ से कंप्यूट आके हो क्या आता है ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्टैंडर्ड एवियशन को अगर हम डिवाइड करें अंडर सैम्पल साइज तो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ जाती है टी की वैल्यू मीन डिफरेंस को डिवाइड uh, करने से स्टैंडर्डर एरर के साथ आती है और ये जो नाइन्टी फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो वैल्यूज हैं लोअर और अपर लिमिट ये आती हैं अगर हम इसको आ, जो है स्टैंडर्ड एरर को डिवाइड करें जो है वो जी की वैल्यू से और उसके बाद जो मीन डिफरेंस की वैल्यू है प्लस माइनस कर लें तो ये हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो ये हमने इसकी एक एक्सरसाइज कर कर भी देख ली है कि कैसे आ, जो है हम इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कंडक्ट करते हैं यहाँ पर मैंने जैसे लास्ट मॉड्यूल में, में बात की थी अगर आपके पास दो से ज़्यादा कैटेगरीज़ हों वेरिएबल की तो फिर आप इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कैसे लगाते हैं हम उसको ज़रा देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर फैमिली इनकम की जो है वो ज़्यादा दो से कैटेगरीज़ है तो अब हम इसमें से सिर्फ़ वो दो कैटेगरीज़ उठा लेंगे जो कि हम लेना चाहते हैं अपने इस टेस्ट के लिए यानी हम इसमें पहले दो ग्रुप्स उठा लेते हैं वन और टू कंटिन्यू करेंगे और ओके okay करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास जो बहुत ग्रुप्स हैं वन और टू उनके लिए हमारे पास ये देखें वैल्यूज कंप्यूट होकर आ गई हैं और टीयर और गैड दोनों की टी वैल्यूज भी आ गई हैं तो ऐसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं टी टेस्ट को जहाँ पर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट को जहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्स कैटेगरीज अगर दो से ज़्यादा हैं तो जो दो कैटेगरीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उनके आप वहाँ पे यहाँ पे कोड्स देते हैं तो उसके साथ आपकी ये वैल्यूज़ कंप्यूट हो जाएंगी तो इस केस में भी जो ग्रुप आ, फैमिली इनकम वन है और फैमिली इनकम टू है आ, वो ये ब, बता रही है कि जो है ये मीन इनके जो है स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं प्यर में भी और गैड में भी